गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। घर का किचन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम बनाने जा रहे हैं मंगौड़ी की कढ़ी, तो बताते हैं आपको कैसे बनेगी। लोगों को बहुत पसंद होती है और गुरुवार के दिन अक्सर ज्यादातर घरों में बनती है। आज गुरुवार है, हम भी कढ़ी बनाने जा रहे हैं, तो लगा आपको भी बताएं ये रेसिपी कैसे बनेगी। आपको बताते हैं, ये लिए है हमने एक चुटकी हींग, और ये राई, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, और ये मंगोड़ी, एक मुट्ठी मंगोड़ी, और तीन चार मिर्ची ली है, और ये कड़ी पत्ता लिया है। दो डंडी के पत्ते हमने निकाल लिए, करीब 15 से 20 पत्ते हैं ये। और ये लिया हमने एक कटोरी दही। अब इसमें, ये कटोरे में हम डाल रहे हैं 3 चम्मच बेसन। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि 3 लोगों के लिए ही बनना है, ज़्यादा बना दें तो कोई खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा ही बनाना है। अब इतना बेसन ले रहे हैं और इसको बताते हैं कैसे बनाना है। जो हमने रख दिए कढ़ाई गैस पे, थोड़ा गरम हो जाए। इसमें थोड़ा पानी है, सूख जाए। सूख गया है, गरम हो रहा है। अब इसमें डालते हैं सरसों ऑयल। लाइट कम थी, थोड़ी हमने जला दी है। अब इसमें डालेंगे, थोड़ा गरम हो रहा है, मंगोड़ी डालते हैं। सबसे पहले इसमें डालते हैं मंगोड़ी, इसको बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए चलाते रहना, 2-3 मिनट में ये भुन जाएगी। देखिए लाल होने लगी है, इसका मतलब ये भुन गई। तो अब इसको गैस, इसको इंडक्शन को बंद कर देते हैं और मंगोड़ी को निकाल लेते हैं। ये मंगोड़ी हमने निकाल ली। अब इसमें रह गई है ऑयल, थोड़ा कम रह गया, तो 1 चम्मच हम और डाल देते हैं। 1 चम्मच ऑयल हमने और डाल दिया, ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डाल देंगे तो ऑयली हो जाएगा, इसलिए कम ऑयल कम मसाले में सब्जियां बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो अब इसमें डाल रहे हैं हम राई, ये राई है, और ये कड़ी पत्ता मेथी है। इसको इंडक्शन को बंद कर देते हैं, और ये है हल्दी। अब इसको मंगोड़ी डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं पानी। ये पानी हमने डाल दिया, और इसको ढक देते हैं। ढक देंगे तो ये पक जाएगी, 5-7 मिनट में ये पक जाएगी। बच्चों 7-8 मिनट हो गए, अब इसको देखते हैं पकी है या नहीं। पक गई है, इसको दबा के देखते, दब जाती है तो समझिए पक गई है। अब क्या करना है, इसको साइड में करना है, और ये दही और इसमें मिक्स कर देना है। दही को मिक्स कर दिया, अब ये कटोरी पानी से भर लेते हैं, इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे गुलठे ना रहे।
अच्छे से इसको पहले कम डालते हैं पानी, इसीलिए हमने नहीं डाला कम, दही या पानी कुछ भी डालिए कम डालिए तो गोल्ठे फूट जाते हैं, फोड़ने की का स्पेस रहता है, आप फोड़ सकते हो और पानी पड़ जाता है, फिर गोल्ठे फोड़ते नहीं बनता है। तो गोल्ठे फूट गए, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा और पानी। ये देखिए, अब इसको इसमें डालते हैं, ये डाल दिया। ये बेसन और दही जो लगा है ना, इसमें पानी से ऐसे कर लेंगे और इसको भी डाल देंगे। ये देखिए, ये 4 लोगों के लिए नहीं बल्कि 5 लोगों के लिए 3 चम्मच बेसन और 1 कटोरी दही से कढ़ी बनके तैयार हो रही है। और ये कटोरी भी कितनी है, मात्र ज्यादा से ज्यादा इसलिए है 100 ग्राम की। इसमें 4 से 5 लोग आराम से कढ़ी खा सकते हैं। अब इसको खोलने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, और अभी नमक और डाल देते हैं। नमक डाल दे, फिर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 1 चम्मच नमक से कुछ नहीं होगा, कड़ी हमें लग रही है थोड़ी ज्यादा तो इसमें थोड़ा और नमक डालेंगे। ये देखिए, ये हम नमक डाल रहे हैं 1/2 चम्मच और। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं खोलने लगे, और उसके बाद 10 मिनट खोलने देते हैं। बच्चों, ये कढ़ी 5 मिनट हो गए हैं, और देखिए ये 3 चम्मच बेसन था उसी में ये गाढ़ी होना शुरू हो गई। तो इसमें क्या करते हैं, पानी थोड़ा डाल देते हैं। अब इसको 5-7 मिनट खोलने देते हैं। बच्चों, 5 मिनट हो गए हैं और ये कढ़ी खोल गई है। अब इसमें आप चाहें तो टेस्ट के लिए धनिया और डाल सकते हैं। वैसे ये बन के कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों, ये थी कढ़ी बनाने की रेसिपी, मैंने आपको बताई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।